चलो अब हम कुछ आगे पॉइंट्स और करते हैं। पॉइंट्स है हमारे पास में कि अगर हेडिंग डाल देना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट तो यह है जो आपको शायद मैंने पहले बता दिया था, नहीं बताया तो फिर से समझ लो। अगर मैं लिखता हूं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, तो इसका यह मतलब नहीं होता एक्स इक्वल टू ए। यह मिसकंसेप्शन है, लोग बहुत जने एक्स को ए ही मान लेते हैं जबकि एक्स की वैल्यू ए की तरफ जा रही है, ए के इक्वल नहीं है, ठीक है, एक लिमिट के अंदर। सेकेंड पॉइंट यह है, नंबर टू, किसी भी पॉइंट पर, एट एनी पॉइंट, बहुत काम का पॉइंट लिखा रहा हूं मैं, एट एनी पॉइंट लिमिट में एग्जिस्ट और मे नॉट एग्जिस्ट, किसी भी पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट भी कर सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि लिमिट एग्जिस्ट ना करे, आइदर एट दैट पॉइंट, सॉरी मैंने एक गलती लिख दी, आइदर नहीं लिखना था मुझे, एट दैट पॉइंट आइदर फंक्शन इज डिफाइन और नॉट डिफाइन, किसी भी पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है या ऐसा भी हो सकता है लिमिट एग्जिस्ट ना करे, जहां पर फंक्शन या तो डिफाइन होगा या नहीं डिफाइन होगा। देखो इस पॉइंट का मीनिंग क्या है कि अगर आपके पास में किसी भी पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, चाहे भले उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन हो या ना हो, मतलब ये केस हो सकते हैं, एक पॉइंट है फंक्शन, किसी पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन है, ये डिफाइन है फंक्शन, मतलब यहां पर फंक्शन की वैल्यू आ रही है, तो हो सकता है इधर लिमिट एग्जिस्ट कर जाए और हो सकता है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे। ऐसे ही कोई पॉइंट है वहां पर फंक्शन डिफाइन नहीं है लेकिन उधर लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि लिमिट एग्जिस्ट ना करे। मैं अभी इसको एग्जांपल से समझाता हूं, आप पहले एक बार इसको लिख लो, कैसे एग्जांपल से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी जो हमने पॉइंट लिखा पॉइंट नंबर टू, उसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने फर्स्ट एक फंक्शन लिया एफ एक्स इक्वल टू, जो हमने इस लिमिट चैप्टर की स्टार्ट का फर्स्ट लेक्चर था उसमें बताया था, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू है। जब मैं इधर बात करता हूं एक्स इक्वल टू टू पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, ऊपर भी जीरो, टू का स्क्वायर फोर अपॉन जीरो, तो यहां पर अपॉन में जीरो आ रहा है, मीन्स फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, डिफाइन ही नहीं है इस जगह पर फंक्शन, आप नहीं रख सकते एक्स को टू, क्योंकि एक्स को टू रखती फंक्शन की डेफिनेशन गलत हो गई, अपॉन में कभी भी जीरो नहीं आता, वो अनडिफाइन हो जाएगा। पर अगर मैं लिमिट एक्स टेंड्स टू टू की बात करता हूं और एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू निकालता हूं, तो आपको ध्यान होगा हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर इसकी वैल्यू फाइंड करी थी और इसकी वैल्यू फोर आई थी, तो यहां पर फंक्शन डिफाइन नहीं है लेकिन इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो ऐसा हो सकता है किसी पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफाइन ना हो लेकिन उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल नंबर टू, इसमें क्या है मैंने लिख दिया फंक्शन है मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री या एक्स स्क्वायर प्लस नाइन और मैं ले रहा हूं एफ टू, मैंने कहा भी टू पर फंक्शन की वैल्यू निकालता हूं,
तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 13 आ गया। मींस 2 पर फंक्शन डिफाइन है, 2 पर फंक्शन की वैल्यू आ रही है। और अब अगर मैं लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 एफ एक्स निकालता हूं, मतलब जब x की वैल्यू 2 की तरफ जा रही है तो फंक्शन की वैल्यू निकालता हूं। तो आप x को जब 2 की तरफ ले जाओगे तो 2 का स्क्वायर 4 की तरफ जाएगा, तो 4 की तरफ जाने में प्लस 9 किया तो 13 की तरफ जाएगा, तो ये वाली वैल्यू भी डिफाइन हो रही है। मींस f 2 की जब बात करता हूं तो 13 आ रहा है, 2 पर फंक्शन डिफाइन है एंड 2 पर लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर फंक्शन डिफाइन भी है और लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है। मींस मेरा कहने का जो मतलब था वो ये था कि अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन नहीं भी हो रहा है तो भी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, और अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन हो रहा है तो भी उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी पॉइंट पर फंक्शन तो डिफाइन हो लेकिन लिमिट एग्जिस्ट ना करे। कैसे, अभी उसका भी एग्जाम्पल देते हैं। आपको पहले यह नोट करना है, तो देखो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे इस बार हमने एग्जाम्पल लिया एग्जाम्पल नंबर 3, फंक्शन मेरे पास है एफ एक्स इक्वल टू, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 4, अगर x की वैल्यू 2 से ग्रेटर या इक्वल हो, और x अगर 2 से छोटा है तो x माइनस 5, अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी या इक्वल है तो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 4, बट अगर x की वैल्यू 2 से स्मॉल है तो फंक्शन बनेगा x माइनस 5। इसका मतलब यहां पर श्योर हो गया फंक्शन इज डिफाइन एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पर डिफाइन हो गया। कैसे डिफाइन हो गया, क्योंकि बोल दिया है x इक्वल टू 2 पर फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। लेकिन अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2 निकालता हूं तो वैल्यू आ जाएगी, आप निकाल करके देख लेना, इट विल बी माइनस 3। और अगर आप यही की यही बात राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2 निकालते हो तो लिमिट आ जाएगी 8। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आए, इसका मतलब x इक्वल टू 2 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी। सो एट x इक्वल टू 2 लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो मतलब क्या हो गया, अभी हमने फर्स्ट टाइम में जब क्वेश्चन किया था तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि किसी पॉइंट के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, फंक्शन डिफाइन नहीं था। फर्स्ट एग्जांपल में जो अभी लिखा था फंक्शन डिफाइन नहीं था लेकिन लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी। सेकंड एग्जांपल में फंक्शन भी डिफाइन था और लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही थी। थर्ड एग्जांपल में फंक्शन डिफाइन नहीं है और सॉरी फंक्शन डिफाइन है इस पॉइंट पर लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। ऐसी एक एग्जाम्पल और लेता हूं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 4, फंक्शन है मेरे पास एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आपको याद होगा इसकी मैं एक्स इक्वल टू 5 पर वैल्यू निकालता हूं ना, तो 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इट विल बी 5। लेकिन अगर मैं बात करूं लिमिट निकालने की तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 5 पर एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि मैंने आपको पहले रूल बताया था क्लास में कि किसी भी इंटीजर वैल्यू पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसका सीधा सा एक ही मीनिंग हो गया कि किसी भी पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन हो तो लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, फंक्शन डिफाइन नहीं हो तो भी लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है और लिमिट एग्जिस्ट नहीं भी कर सकती। मतलब किसी पॉइंट पर डिफाइन होना और लिमिट एग्जिस्ट करना, इन दोनों के बीच में सीधा कोई रिलेशन नहीं है, नोट कर लो। यस, नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं।
ये पॉइंट है इनडिटर्मिनेंट। थर्ड पॉइंट, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है क्या? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मैं पहले इसको थोड़ा सा समझाता हूं। देखो आपके पास में टू नंबर्स की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, x इंटू वाई, ठीक है। अब x इंटू वाई अगर सिंपल सिंपल नंबर है, मान लो एक नंबर टू है एक नंबर थ्री है, तो टू थ्री जा सिक्स डायरेक्ट हो जाता है। वन नंबर फोर है वन नंबर फाइव है, तो फोर फाइव जा ट्वेंटी हम सीधा लिख देते हैं। वन नंबर माइनस थ्री है वन नंबर टू है, तो माइनस थ्री इंटू टू सिक्स डायरेक्ट हो जाता है। इसमें हमें कुछ नहीं सोचना पड़ता क्योंकि नंबर सिंपल मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पर अब जो केस आए, हमने जहां पर भी केसेस की बात करी वो सारे लिमिट है, वो सारे के सारे केस लिमिट के थे। तो हुआ क्या, मान लो आपने लिमिट निकालनी स्टार्ट करी और नंबर जा रहा है टेंड्स टू जीरो पहला नंबर, और सेकंड नंबर जा रहा है टेंड्स टू सिक्स, तो एक्स की वैल्यू जीरो की तरफ जा रही है, एक्स की वैल्यू सिक्स की तरफ जा रही है। तो जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट जीरो की तरफ ही जाएगा। अब आप इस चीज को ध्यान रखना, जीरो की तरफ जा रहा है नंबर और ये नंबर सिक्स की तरफ जा रहा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जीरो की तरफ जाएगा। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, जीरो की तरफ जाना या सिक्स की तरफ जाने का क्या मतलब है। मैं दोनों ही केसेस में, मैं इधर जा रहा हूं लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ, मतलब मैं जीरो की तरफ आ रहा हूं नेगेटिव साइड से। नेगेटिव साइड से आने का मेरा मतलब क्या हो गया, मैं आया जीरो की तरफ पॉइंट नाइन, पॉइंट नाइन नहीं, पॉइंट वन, पॉइंट जीरो वन, पॉइंट जीरो जीरो वन, पॉइंट जीरो 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 वन, मैं जीरो की तरफ गया। और इधर सिक्स की तरफ भी मैं आ गया एक बार लेफ्ट साइड से, मान लो। तो सिक्स की तरफ जब मैं लेफ्ट साइड से आया तो मैं आया पॉइंट फाइव, पॉइंट फाइव नाइन, पॉइंट फाइव नाइन नहीं, फाइव पॉइंट नाइन। फिर और क्लोज आया तो 5.91, 5.99, 5.99999। मैं जब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाएगा 0.59। जब मैं इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.011 की 5.91 से मल्टीप्लाई करो तो 591 आया सिंपल। लेकिन पॉइंट के बाद में टू नंबर थे, इधर भी पॉइंट के बाद में टू नंबर थे, तो पॉइंट के बाद फोर नंबर हो जाएंगे, तो ये क्या आ गया 0.059। और आगे चलूंगा तो 0.0059, और क्लोज आऊंगा तो 0.0000005, या जो भी, हम एक्यूरेट नहीं निकाल रहे, नियर अबाउट बता रहे हैं। तो एक्स की वैल्यू जब जीरो की तरफ जा रही है और सिक्स, और जो दूसरी वैल्यू सिक्स की तरफ जा रही है, तो हमारा आंसर ये देखो, ये रिड्यूस होते होते किस तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर यहां पर जीरो की तरफ ही जाएगा। मींस अगर पहली लिमिट जीरो की तरफ गई और सेकंड लिमिट सिक्स की तरफ गई तो हमारा आंसर जीरो की तरफ जाएगा। कुछ लोग सीधा कहते हैं जीरो इंटू सिक्स इक्वल टू जीरो, तो वो भी एक डेफिनेशन वाइज ठीक है, जीरो इंटू सिक्स इक्वल टू जीरो, लेकिन ये नंबर जीरो नहीं होता, ये नंबर टेंड्स टू जीरो होता है, ये नंबर सिक्स नहीं होता, ये नंबर टेंड्स टू सिक्स होता है, इसलिए हम इनके लिमिट्स के हिसाब से चेक कर रहे हैं। अब इसको ही थोड़ा और आगे देखते हैं, अगर यही आप नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, आपका एक नंबर फोर की तरफ जा रहा है दूसरा नंबर सेवन की तरफ जा रहा है, तो जो रिजल्ट आएगा ना वो फोर सेवन जा 28 की तरफ ही जाएगा। ये आप अपने नंबर्स के हिसाब से एग्जांपल पुट करके देख सकते हो, ये कैलकुलेशन आप खुद कर दो। ऐसे ही थर्ड केस, अगर फर्स्ट नंबर जीरो की तरफ जा रहा है और सेकेंड नंबर भी जीरो की तरफ जा रहा है तो आंसर भी जीरो की तरफ जाएगा। आप जीरो की तरफ जाने का मतलब यहां पर क्या हो गया, आप यह मान सकते हो कि भैया नंबर जो है वो बहुत छोटा है, लेकिन पॉजिटिव तो हम ले रहे हैं 0.00000001, ये भी सेम, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे इतना छोटा नंबर आएगा जो जीरो की तरफ चला जाएगा। ऐसे चलो एक एग्जांपल और लेता हूं, फोर्थ, एक नंबर मेरा
टू की तरफ जा रहा है और एक नंबर मेरा इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, क्योंकि इंफिनिटी इज नॉट ए नंबर, एक नंबर बहुत बड़ा हो रहा है और एक नंबर जो जा रहा है वो टू की तरफ जा रहा है। अब टू कोई भी पॉजिटिव नंबर है, तो टू और इंफिनिटी की अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, मींस आप एक टू की तरफ जा रहे हो और एक इंफिनिटी की तरफ जा रहे हो। अब आप इन दोनों नंबरों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट किस तरफ जाएगा? इंफिनिटी की तरफ। क्यों? क्योंकि इंफिनिटी बहुत बड़ा नंबर है और टू एक नंबर है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करते ही नंबर इंफिनिटी की तरफ जाएगा। ऐसे ही हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब एक नंबर मेरा, फॉर एग्जांपल हो गया नंबर फाइव, एक नंबर मेरा माइनस थ्री की तरफ जा रहा है और एक नंबर मेरा इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। अब देखो ये इंफिनिटी जो नंबर है वो बहुत बड़ा नंबर है लेकिन पॉजिटिव है, और ये जो नंबर जा रहा है माइनस थ्री की तरफ जा रहा है लेकिन नंबर नेगेटिव है। तो हमारे पास रूल है कि अब कितना भी बड़ा नंबर हो अगर वो किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां पर माइनस थ्री का ये नेगेटिव नंबर अगर इंफिनिटी की तरफ गया भी तो जो रिजल्ट आएगा वो इंफिनिटी की तरफ जाएगा, लेकिन कौन सा हो जाएगा? माइनस का इंफिनिटी। तो इस केस से भी हमें यही रिजल्ट मिला। ऐसे ही नंबर सिक्स, दो नंबर है जो दोनों ही इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं, ये भी इंफिनिटी की तरफ, सेकंड भी इंफिनिटी की तरफ, मतलब एक नंबर बहुत बड़ा, सेकंड नंबर भी बहुत बड़ा, दो बहुत बड़े बड़े नंबरों को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट भी क्या आ जाएगा? इंफिनिटी की तरफ। ऐसे नंबर सेवन, एक नंबर माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, दूसरा नंबर भी माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो एक नंबर बहुत नेगेटिव, दूसरा भी बहुत नेगेटिव, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव तो पॉजिटिव ही होगा, तो बहुत बड़ा नंबर फिर से क्या आया? इंफिनिटी। पर मैं देखो सब पर एरो लगा रहा हूं, एरो लगाने के पीछे रीजन यही है कि वो नंबर एग्जैक्ट नहीं है, उस तरफ जा रहे हैं, और इंफिनिटी नाम की तो वैसे भी कोई चीज नहीं होती, ये तो मैं लिख रहा हूं इंफिनिटी, रियल में क्या है? बहुत बड़ा नंबर है। अब अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर एट। पॉइंट नंबर एट क्या कहता है कि अगर आप जीरो की तरफ जा रहे हो और एक है आप इंफिनिटी की तरफ जा रहे हो, अब सुनो असली स्टोरी यहां से आई, आप जीरो की तरफ जा रहे हो, आप इंफिनिटी की तरफ जा रहे हो, अब आपका आंसर किस तरफ जाएगा? देखो इस चीज को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूं, और नंबर तो सीधे थे, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसी को एक बार समझते हैं। आपका नंबर जा रहा है जीरो की तरफ और दूसरा नंबर जा रहा है इंफिनिटी की तरफ, तो रिजल्ट क्या आएगा? ये एट्थ पॉइंट था हमारा। अब देखो जब हम लिमिट की बात कर रहे हैं, हम जीरो, देखो इंफिनिटी की तरफ आने का तो मतलब है इंफिनिटी। अब इंफिनिटी की तरफ आप ऐसा नहीं है कि इंफिनिटी के लेफ्ट से आओगे, इंफिनिटी के राइट से आओगे, भैया इंफिनिटी तो एक नंबर ही है, नंबर भी नहीं है, इंफिनिटी तो बहुत बहुत बड़ी क्वांटिटी, तो इंफिनिटी को हम डिफाइन नहीं कर सकते। पर जीरो की तरफ आने के हमारे पास में दो रास्ते हुए, एक रास्ता तो यह हुआ कि मैं जीरो की तरफ यहां पर आ रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड से, तो जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से आया तो मैंने स्टार्ट क्या किया, मैंने कहा ओके माइनस वन, माइनस का 0.9, क्योंकि जीरो की तरफ जा रहा हूं, माइनस का मैं चलो इतना नहीं लेता, माइनस का 0.1, माइनस का 0.01, माइनस का 0.001, माइनस का 0.0001, माइनस का 0.00001, मैं क्लोज आता जा रहा हूं जीरो के लेफ्ट हैंड साइड से, और ये तो इन्फिनिटी है, इसमें क्या इन्फिनिटी की तरफ जाना, तो मतलब इन्फिनिटी की तरफ ही जाना है। अब अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं इन्फिनिटी से, और इन्फिनिटी का मतलब बहुत बड़ा नंबर है, तो अगर आप माइनस के 0.1 की इंफिनिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका नंबर नेगेटिव हो जाएगा। आपको लगेगा सर ये तो जो आंसर आ रहा है द आंसर इज माइनस इनफाइनाइट, मैंने कहा ठीक है भाई सही है, गलत थोड़ी है। ऐसे ही मैं इधर से गया तो माइनस का, इधर भी माइनस का इनफाइनाइट की तरफ गए, इधर भी माइनस इनफाइनाइट की तरफ गए, तो हमने डिसाइड करा यार हर तरफ से हम माइनस के इनफाइनाइट की तरफ ही जा रहे हैं मल्टीप्लाई करने पर,
ये लेफ्ट हैंड साइड की बात हुई, पर अब यही का यही स्टेप जब मैंने राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया, क्योंकि जीरो की तरफ तो मैं राइट साइड से भी जा सकता था, तो जब मैंने राइट हैंड लिमिट ली जीरो की तरफ और इन्फिनिटी की तरफ तो वैसे ही जाना है, तो हुआ क्या, मैं आया 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001 एंड सो ऑन, ऐसे चलता गया। जीरो की तरफ जा रहा हूं राइट हैंड साइड से, राइट मतलब जीरो की पॉजिटिव साइड से जीरो की तरफ आए, इसको मैंने इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई किया जो टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो हुआ क्या, अब ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर कोई भी हो इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट मुझे देगा इन्फाइनाइट। तो मुझे तो हर स्टेज में, अब देखो मैं लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, माइनस का इन्फाइनाइट, और राइट हैंड साइड से आ रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, प्लस का इन्फाइनाइट। इसलिए जीरो इंटू इन्फाइनाइट कि जब हम बात करते हैं तो हम इसको निकाल नहीं पा रहे कि क्या बोलूं, माइनस इन्फिनिटी बोलूं या प्लस इन्फिनिटी बोलूं। तो ये जो फॉर्म है ये पहली इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन गई जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर पाए। अब लोगों के मन में दो डाउट आते हैं, एक तो कहते हैं सर इनडिटर्मिनेंट और नॉट डिफाइन या अनडिफाइन इन दोनों में फर्क है कुछ, तो यस इन दोनों में फर्क है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म तो यह है कि जब टेंड्स टू वैल्यू जा रही है तो भी हमारे पास में आंसर अनडिफाइन फॉर्म में आ जाए, हम इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे, लेकिन ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है जो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि आंसर क्या दे रहा है देख करके, ये जो फॉर्म है जीरो इंटू इन्फिनिटी। पर अनडिफाइन फॉर्म क्या होती है, वहां पर फंक्शन ही डिफाइन नहीं होता, आप अपॉन में जीरो लिख ही नहीं सकते। अब जैसे आपके पास ये फंक्शन है, यहां पर टेंड्स टू जीरो, मैं जीरो की तरफ ले जा तो सकता हूं, पर अगर ऐसा फंक्शन हो कि अपॉन में जीरो आपको रखा हुआ है तो आप तो ये रख ही नहीं सकते, तो ये चीज लिखना ही गलत है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको इस चीज को क्लियर करना होगा, भी और एग्जांपल से समझ में आएगा, पहले आप इसको नोट करो। अभी जो हमने मीनिंग लिया था उसमें था ये वैल्यू जीरो की तरफ जा रही है, इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो ये वैल्यू इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आई। लेकिन अगर कहीं पर ऐसे लिख दिया जाए जीरो इंटू इन्फिनिटी, तो इसका आंसर जीरो होगा। क्यों होगा इसका आंसर जीरो ये भी समझ लो, ये वाला जीरो और ये जीरो दोनों अलग अलग जीरो हैं, ये वैल्यू जीरो की तरफ जा रही है, ये प्योर जीरो है, मींस ये वैल्यू तो प्योर जीरो है और ये वैल्यू जीरो की तरफ जा रही है। तो जब आप जीरो की तरफ जा रहे हो वहां पर तो आप वैल्यू नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन यहां पर प्योर जीरो ही लिख दिया। अब जीरो की प्रॉपर्टी होती है जीरो किसी के भी साथ में मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही देगा, क्योंकि ये प्योर जीरो है, यूं समझ लो ये प्योर है, ये डाल्टा है। अब जो प्योर है वो अपनी क्वालिटी शो करेगा, जीरो इज ए प्योर नंबर, इन्फिनिटी तो कभी प्योर होती नहीं, तो इसलिए इन्फिनिटी के बारे में तो सोचना ही बेकार है, पर जीरो इज ए प्योर नंबर, तो आप जीरो को लिख सकते हो कि जीरो इंटू इन्फिनिटी कहीं पर आ जाएगा देन इट विल बी जीरो, बट टेंड्स टू जीरो इंटू टेंड्स टू इन्फिनिटी इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इसको हम लिमिट के थ्रू निकालेंगे। नेक्स्ट नंबर 9 पॉइंट की बात करते हैं, एक और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आती है नंबर 9 पॉइंट। वैसे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स मैं सारी यहां लिख दूंगा, फर्स्ट फॉर्म आई है जीरो इंटू इन्फिनिटी, बस याद रखना ये टेंड्स टू जीरो था, ये टेंड्स टू इन्फिनिटी थी, ये फर्स्ट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म की जब मैं बात करता हूं तो इट इज जीरो अपॉन जीरो फॉर्म। जीरो अपॉन जीरो फॉर्म का भी मतलब क्या है, ये टेंड्स टू जीरो है और ये भी टेंड्स टू जीरो है। देखो कैसे, अब आपने ऑलरेडी रूल पढ़ रखा है कि अपॉन में जीरो नहीं होता, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि अपॉन में कभी भी जीरो नहीं होता, क्योंकि अपॉन में जीरो हो जाए तो अनडिफाइन हो जाता है। तो यहां पर ये जो वैल्यू है अपॉन में ये टेंड्स टू जीरो है, तो इसलिए ये वाली फॉर्म भी अनडिफाइन है, इसे भी आप सॉरी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। अब कुछ लोग सोचते होंगे सर ये जीरो से जीरो कट कर दे, तो अगर आप जीरो से जीरो कट करके, कई जने क्या कर देते हैं जीरो से जीरो कैंसिल करके वन लिख देते हैं,
जैसे अपन बचपन में क्या करते थे, नहीं तो यूं समझो बचपन में क्या करते थे, 490 अपॉन 270 है तो 0 0 काट देते थे, पर वो रियल में 0 से 0 कटता नहीं था, वो रियल में दोनों 10 से, ऊपर वाला भी 10 से डिवाइड होता था, नीचे वाला भी 10 से डिवाइड होता था, तो ऊपर आ जाता था 49, नीचे आ जाता था 27। रूल ये था, 0 से 0 कभी कटते नहीं है, इस चीज को याद रख लेना। और देखो अब अगर मैं इसकी बात करता हूं तो अब इसमें भी हमारे मन में जैसे इधर केस आया था 0 into infinity, हमने बोला इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, तो यहां पर भी 0 upon 0 एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। इसको लिख देता हूं फॉर्म नंबर 2, 0 upon 0 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, बस याद रखना ये टेंड्स टू 0 है। अगर मैं ये वैल्यू निकालूं, ऊपर वाला 0 हो नीचे वाला टेंड्स टू 0 हो, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, ऊपर तो प्योर 0 लिखा हुआ है, नीचे टेंड्स टू 0 है, देन आंसर विल बी 0। अगर ऊपर प्योर 0 है नीचे टेंड्स टू 0 है तो आंसर होगा 0। लेकिन अगर ऊपर टेंड्स टू 0 है नीचे प्योर 0 है, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, लिखना ही मूर्खता है, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए आप इसको तो लिख ही नहीं सकते। अपॉन में कभी भी प्योर 0 नहीं आता, अपॉन में जो वैल्यू आती है अपॉन में वो टेंड्स टू 0 ही हो सकती है। तो अगर कभी ऐसा हो जाता कि ऊपर प्योर 0 है नीचे टेंड्स टू 0 है तो हमारा आंसर 0 होगा। अब ऐसा कब हो सकता है, मान लो क्वेश्चन के अंदर ही ऐसा हो रहा है 4-4 अपॉन x-3 जबकि लिमिट है x→3। तो अब आप क्या करोगे, x को अगर 3 की तरफ ले जाते हो तो 3-3 0 होता है, और ऊपर क्या हो रहा है 4-4 ऑलरेडी 0 हो चुका है, और ये वाला 0 तो प्योर 0 है, लेकिन x को आप 3 की तरफ ले जा रहे हो तो बेस का नंबर 3-3 0 की तरफ जा रहा है, तो ऊपर प्योर 0 आ गया नीचे टेंड्स टू 0 आ गया, तो इसका आंसर जो होगा इट विल बी 0 क्योंकि ऊपर प्योर 0 था। तो आपको पहले यह समझना होगा एक प्योर नंबर और टेंड्स टू नंबर में फर्क क्या है। अगर आपके लिए वो क्लियर हो गया तो आपके लिए पूरी की पूरी लिमिट क्लियर हो जाएगी फॉर आईआईटी लेवल। ऐसे नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 3, आप नोट कर लो पहले इसे, तो बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए प्योर नंबर और टेंड्स टू नंबर में फर्क क्या है। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लो मैं इधर लिख रहा हूं टेंड्स टू 3 और इधर लिख रहा हूं टेंड्स टू 4। अब 3 की तरफ जा रहा है तो 3 एक फिक्स नंबर है, 4 की तरफ जा रहा है तो 4 भी एक नंबर है, तो ये वैल्यू तो इसके इक्वल आएगी, टेंड्स टू 3 अपॉन टेंड्स टू 4 इज इक्वल टू 3 upon 4। आप 3 की तरफ भले लेफ्ट साइड से जाओ राइट साइड से जाओ, 4 की तरफ लेफ्ट से जाओ या राइट से जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 upon 4 ही आएगा। लेकिन अगर मैं यही वर्ड यू यूज ले लेता हूं, इधर तो है टेंड्स टू इंफिनिटी अपॉन में है 4, ये वैल्यू इंफिनिटी की तरफ जा रही है, अपॉन में फिक्स 4 है, तो ये रिजल्ट आएगा इंफिनिटी। क्यों? क्योंकि ऊपर इंफिनिटी है, इंफिनिटी में आप कोई भी नंबर डिवाइड कर दो आना तो इंफिनिटी ही है। अगर यही 7 upon 0 है, अब देखो अपॉन में 0 नहीं हो सकता तो वो क्वेश्चन में टेंड्स टू होगा, तो अब आप कैसे अपॉन में टेंड्स टू 0 जा रहे हैं तो रिजल्ट इंफिनिटी की तरफ जाएगा, ये भी इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, इंफिनिटी नहीं है इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। मतलब आपको जब कभी भी वर्ड यूज आए ना, वो कहते हैं टेंड्स टू इंफिनिटी टेंड्स टू 0, तो 0 के लिए दो चीजें याद रखनी है, 0 की तरफ एक तो टेंड्स टू 0 होता है एक 0 होता है, ये तो लिमिट का वर्ड है और ये प्योर नंबर है, ये चीजें समझनी जरूरी है। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं,